तो भाई लोग देखो, इधर से हमने गाड़ी लिया गया था हीरो इलेक्ट्रिक, और अभी जो 3 साल का वारंटी दिया गया था कि 3 साल में जो भी प्रॉब्लम आएगा गाड़ी में वो सारा कुछ आपको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पर इधर मेन अभी जो प्रॉब्लम आया है कि हम लोग का बैटरी चेंज होने वाला था। अभी देखो ये है बैटरी हम लोग का, और हीरो इलेक्ट्रिक माधवा एंटरप्राइज, अगर कोई ले रहे हो गाड़ी इधर से मत लो, क्योंकि बेचने के टाइम एक चीज़ बोला जाता है और अभी जब वारंटी हमने क्लेम किया है तभी कुछ अलग बोला जा रहा है। नंबर ये है और जगह है। तो हम लोग पहले वाला वीडियो, आप लोग जो डिलीवरी लिया गया था, गाड़ी इधर से लिया गया था और इन लोग का हालत ऐसा है, खुद तो ठप हो चुका है, ऊपर वाला देखो पूरा बंद हो चुका है। अभी बाड़ी भाड़ा देवा जावे लिखा हुआ है इधर, और अभी गाड़ी एक भी हीरो का नहीं है, सिर्फ सर्विस दिया जा रहा है। सर्विस चार्ज मेरे को बोला जा रहा है कि 1000 आपको पे करना पड़ेगा कुरियर चार्जेस के बेसिस। जब हमने गाड़ी लिए थे तब हमको बोला गया था 3 साल का वारंटी है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लिया जाएगा आपसे। जो लोग कमेंट करते हो ना कि हीरो इलेक्ट्रिक भैया स्कूटी कैसा रहेगा, हीरो इलेक्ट्रिक ना, तो इन लोग का कस्टमर केयर में नंबर लगता है ना, आप कॉल करके लगा सकते हो ना, इन लोग का सर्विस है, घंटा कुछ नहीं है, एकदम गंदा। और तमलुक वाला जो लोग मेरे को पूछ रहे थे कहाँ से लिए थे गाड़ी, इधर मत आओ, भूल के भी मत आओ, क्योंकि अगर आओगे आप लोग के साथ भी स्कैम होगा। इधर का जो मालिक है उसका भी ठप हो चुका है सब कुछ और पूरा ख़त्म, ठीक है। बाकी डिटेल वीडियो में घर जाके आपको डिस्कस करूँगा। पहले वाला वीडियो में जैसे 15,000-20,000 लोग आप लोग ने देखे थे, ऐसे भी देखो, और हीरो इलेक्ट्रिक से नो, हीरो इलेक्ट्रिक मत लो, ठीक है। ओके, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हो उन लोग को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ वीडियो के पहले ही कि सीन्स क्या था, और थोड़ा मतलब उस दिन मूड पूरा ख़राब हो गया था, उसका रीज़न भी है, ऐसा नहीं कि विदाउट रीज़न में बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत सारा मेरी अब बहुत लोग को लगेगा कि बहुत मतलब ओवर रिएक्ट कर दिया मैं उधर, ठीक है, हो सकता है लग सकता है किसी को, पर चीज़ हुआ ही ऐसा था। देखो हम लोग का हीरो अट्रिया पूरा वीडियो कम्प्लीटली देखो तब पता चलेगा। और जो लोग हीरो इलेक्ट्रिक के बारे में सोच रहे हो ना कि हीरो इलेक्ट्रिक लेंगे स्कूटर, क्योंकि कम प्राइस में अभी तो 80,000 कुछ लास्ट टाइम चल रहा था, 80,000 करके गाड़ी सेल हुआ था, और हम लोग ने तभी लिए थे 70,000 का, और लिए थे हम लोग तमलुक निमतौड़ी माधवा एंटरप्राइज से। तो बाकी तो वीडियो कंटिन्यू चलेगा, आप लोग को पता चलेगा क्या सीन्स है एक्चुअल में। अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ, गाड़ी 3 साल पहले लिया गया था, 3 साल नहीं होगा, 2.5 साल होगा, मे बी 2-2.5 साल होगा गाड़ी लिया गया। गाड़ी में एक बार मोटर ख़राब हो गया था बीच में, सब वीडियो है मेरा प्लेलिस्ट में, आप लोग को देखना है तो चेक कर सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग हमने जब बोले कि ऐसा प्रॉब्लम है, सब कुछ सॉल्व हुआ, पैसा लिया गया है, ठीक है। बोल रहे कि मैकेनिक फ़ीस वो तो देंगे भाई, मैकेनिक घर पर आके करके गया वो तो फीस देंगे, हम वो दिया। अभी गाड़ी हम लोग का 27,000 चल चुका है, 27,000 चल चुका है गाड़ी, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के हिसाब से मेरे लिए, मेरे पास तो भाई अमाउंट ज़्यादा ही है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा चलाया है हम लोग ने। अभी उसमें बैटरी में दिक्कत आया है, हमने 5 महीने के ऊपर अप्लाई करके आया था, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। अभी 5 महीने बाद जब उधर गए थे तो बोला कि हाँ बैटरी आ चुका है, दिसंबर के 31 में बैटरी आया है, ठीक है। तो हम लोग को बोला गया आप बैटरी लेके आ जाइए, आप लोग का हम ये चेंज करके दे देंगे। तो जाके पता चला, नेक्स्ट दिन फिर मैं गया तो जाके पता चला कि वो लोग जो बैटरी देते हैं वो बैटरी किसी दूसरे का ही होगा, जो कि यूज़ किया हुआ चीज़ है, उसको फिर से जैसे हम लोग का आईफोन का बैटरी होता ना, हेल्थ बढ़ा के देते, वैसा ही सीन्स होता है। तो बोल रहा है अगर कम होगा उसमें रेंज तो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब भाई मैं 4-5 महीना वेट करूं फिर बैटरी को दूं, फिर 4-5 महीना वेट करूं फिर बैटरी दूं, ऐसे करता रहूं मैं क्या? मेरे को एक चीज़ बताओ, 3 साल का वारंटी बोला गया था तभी कि 3 साल का मोटर बैटरी पे होगा, जितना भी जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो कंपनी द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट सही कर दिया जाएगा। अब लोग को ही पता है कि ऐसा उन लोग का मतलब था, रूल्स वगैरह था। तो अभी क्या हुआ है, ना हीरो इलेक्ट्रिक चल रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, जितने भी डीलर लोग थे सब हीरो इलेक्ट्रिक से स्विच हो चुके हैं, ये लोग लास्ट में था, सिर्फ सर्विस दे रहा था क्योंकि सेल्स तो इनके द्वारा किया गया था। अभी हम लोग को जब सब कुछ हो गया, बैटरी लेके गया, मैं बोला ठीक है बैटरी देख लेते हैं, अब 2 दिन रख देना बैटरी, हम चेक करके फिर से दे देंगे, अगर प्रॉब्लम हुआ तो रख देंगे, नहीं तो दे देंगे आपको, क्योंकि हम लोग को पुराने बैटरी में 40 तक चल जाता था गाड़ी। तो फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो सारा कुछ पेपर वर्क करने के बाद फिर बोल रहे कि आपका हुआ है 1,000 रुपीज़। मैं बोला 1,000 रुपीज़ किस वजह से मैं दूँ 1,000 रुपीज़? बोल रहे कुरियर चार्ज।
कुरियर चार्ज 1000 रुपीज बोल रहे, हम लोग को हीरो इलेक्ट्रिक नहीं देता। अरे भाई तुमको हीरो इलेक्ट्रिक अगर नहीं देता तो हीरो इलेक्ट्रिक का बैटरी कहाँ से लेके आए हो मेरे को बताओ। अगर तुमको हीरो इलेक्ट्रिक नहीं दे रहा है तो तुम बैटरी कहाँ से उठा के लेके आए हो, मेरे को वो चीज समझ में नहीं आ रहा। और मैं बोला उनको मैं 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मेरे को सिर्फ आप एक रिसिप्ट दिखाइए किस पर्पस पे मैं आपको 1000 रुपया दूँ, वो दिखाइए मेरे को, और मैं 1000 रुपए दे के कुरियर फीस दे के मैं एक सेकेंड हैंड बैटरी उठाऊ। क्यों उठाऊ बताओ, क्यों उठाऊ? वो तो आपका काम है ना कि मेरा प्रॉब्लम आया है आप ठीक करके देंगे, ठीक है, ऐसा ही उनका रूल वगैरह था। फिर मैंने कॉल किया उन लोग का नंबर पे कॉल करने के बाद फोन स्विच ऑफ है, ना कॉल रिसीव करता है, ना कुछ, ना मेल, कुछ नथिंग, कुछ भी नहीं करता। अब जिधर भी कॉल कर लो कोई कॉल नहीं रिसीव करे, हीरो इलेक्ट्रिक में मेल डालो जो कुछ भी कर, सब करके देख लिया कुछ काम नहीं हुआ। बहुत फ्रॉड कंपनी है, बहुत ही फ्रॉड कंपनी है, मत लो, मैं बोल दे रहा हूँ मत लो, मत ही लो हीरो इलेक्ट्रिक, फंस जाओगे, मेरी तरह फंस जाओगे। मैं एक्सपीरियंस कर लिया, पहले अच्छा खासा चल रहा था, जैसा जैसा था सब कुछ आप लोग के साथ शेयर किया। अभी भाई आप लोग को क्या करना है आगे आप लोग देखो, अगर आप लोग लोगे गाड़ी मेरा कुछ नहीं होगा भाई, अगर ले रहे हो तो थोड़ा सा सोच के। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, मैं दिखाया हर एक वीडियो है गाड़ी का, एक बार चेक कर लेना और वीडियो के एंड तक देख लेना, ठीक है, थैंक यू भाई। भाई इतना खतरनाक मेरा दिमाग गर्म हो चुका ना, अगर थोड़ा देर मैं उधर रहता, छोड़ो एनीवेज अभी गाड़ी का टेंशन नहीं है। मतलब क्या चीज है, आप जब बोल रहे हो तो उसको तो निभाओ ना कम से कम। आप बोल रहे हो कि गाड़ी दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, घंटा मेरा गाड़ी मैं जला दूंगा, उसमें टेंशन कुछ नहीं है, पर तुम लोग जो बोले हो उसको तो ठीक कर। बोल रहे कुरियर फीस 1000, अबे कुरियर फीस किस चीज का मेरे को वो तो बताओ, कुरियर चीज किस बेसिस में मैं आपको दूं? 3 साल का वारंटी है, किस वजह से मैं दूं आपको कुरियर फीस? मजाक चल रहा है क्या? कल आके गया, कल बोल रहा है दूसरा चीज, कल बोल रहा है कि नहीं देना पड़ेगा, कुछ नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको मैनुअल भी दिखा दूंगा, ठीक है, कि 3 साल का ऐसे करके वारंटी मिलता है, घंटा कुछ नहीं मिलता, 1000 का ये जो आ रहा है इसका मालिक का हालत खराब हो चुका है भाई, कसम से बोल रहा। इतना चोर है ना ये, इतना बड़ा चोर, क्या बताऊं। मेरा पहले वाला वीडियो आप लोग देख लेना, एक बार चेक कर लेना कि कितना बड़ा चोर है ये लोग, क्योंकि एक तो नहीं चल रहा है काम इन लोग का। कल बोला कि हीरो वाले हम लोग को गाड़ी नहीं दे रहे, तो गाड़ी तो नहीं है लोग के पास, वो तो देख ही लिए, बुखार हुआ उसके ऊपर मैं आया इधर, ठीक है, बोल देना चाहिए। देखो 1000 में दे देता, 1000 का कोई टेंशन नहीं, पर मेरे को बताओ ना 1000 किस चीज के मैं दू? 3 साल का वारंटी मीन्स क्या होता है मेरे को वो चीज बताओ, 3 साल का वारंटी मीन्स क्या होता है? एनीवेज चलो जी, गाड़ी का टेंशन उतना नहीं है, जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा पैसा उठा लिया उसमें से, छोड़िए अभी घर पहुंचते 70 किलोमीटर अभी घर जाना है भाई। और एक मेन चीज क्या है ना, इन लोग को भी पता है कि इन लोग का ठप हो चुका है, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं दे रहा अभी, दूसरा कंपनी का की ई वाल्ट करके कुछ नाम है मेरे को नहीं पता भाई। जो भी लोग ले रहे हो हीरो इलेक्ट्रिक पे मत जाओ, मैं कसम से बोल रहा हूँ मत ही लो, मैं बहुत बोला ले लो गाड़ी मत लो भाई मत लो, मेरे साथ हुआ स्कैम, मत जाओ इस सब में, मत पढ़ो हीरो इलेक्ट्रिक, मत जाओ पैसा देके दूसरा कंपनी में जाओ, हीरो इलेक्ट्रिक से नो भाई, खत्म मत लो। इन लोग का और एक चीज देखो, हम लोग कल आए थे और बोले कि हम लोग को कॉल किया गया था, घंटा कॉल कुछ नहीं किया था, तो अगर कॉल अगर जाएगा, मेरे को बोले कि कॉल रिसीव नहीं हुआ, हर एक कॉल रिसीव होता है, ठीक है, कॉल रिसीव नहीं हुआ ऐसे करके बोला, ठीक है मैं मान लिया कॉल रिसीव नहीं किया, हम लोग का गलती है, मान लिया सारा कुछ ठीक है, पर कल क्यों नहीं बोला गया कि ऐसे करके चार्ज लगेगा, कि पैसा ऐसे चार्ज लगेगा? कुछ नहीं होता भाई, हर एक डीलर मैं लिख के दे देता हूँ, हर एक डीलर का एक ही प्रॉब्लम ये है बेचने के टाइम, क्योंकि ये लोग सपोर्ट तो कुछ नहीं दे रहा हीरो इलेक्ट्रिक का। तुम मैं नंबर दे दूंगा आप लोग को मैनुअल बुक में जो है, आप लोग एक बार कॉल करके देखना, अगर कॉल रिंग होता है ना तब बताना मेरे को, क्योंकि रिंग भी नहीं होगा, कॉल स्विच ऑफ है, मतलब इंसान का कुछ टाइम का वैल्यू नहीं है क्या? मतलब
और एक मजे का चीज बताओ क्या, जब मैं बोला ना कि ठीक है मैं पापा से बात कर रहा था, तो पापा बोला किस वजह से ले रहा है वो तो पूछ। मैं जब पूछा उसके बाद बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता सर, ऐसा है मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब में लाइव जा रहा। जब मैंने बोला ना भाई यूट्यूब में लाइव जा रहा, फटाक से भाई जो रिसेप्शन में बैठा था वो भी गायब और जो मालिक था वो भी गायब। मैं उसको बोला आपका नंबर बताओ, तो बोल रहे कि मेरा नंबर नहीं है। क्या बताओ इनको। ये रहा हम लोग का आट्रिया एलेक्स, एलेक्स मॉडल था शायद, हाँ एलेक्स याद, अबे यार गिर जाता अभी। ये आट्रिया एलेक्स कितना चला है गाड़ी, क्या ही दिखा हम लोग को, चाबी भी काम नहीं कर रहा। देखो गाड़ी का क्या हालत, अभी तुम कहाँ किसको दिखाओगे, ना इसका सर्विस सेंटर चल रहा है ना कुछ। सबसे बढ़िया ये गाड़ी है भाई, सबसे बढ़िया कसम से बोल रहे। तो स्टार्ट वगैरह कुछ नहीं हो रहा, देखो मैं अभी जा रहा हूँ, अभी हुआ चिकन लेने के लिए, चल चुका 7493 और 2, मतलब ये मैं बोल दे रहा हूँ कितना चला है गाड़ी, 27,400 हिंदी में बोल देते हैं 7,492। मतलब सीन्स क्या है इसका कि डबल डिजिट नहीं सपोर्ट करता, जैसे देख सकते हो 3-4 डिजिट सपोर्ट करता है इसमें, तो 4 तक 10,000 दो बार चला लिया है गाड़ी, अभी 7,000 में 30,000 होने वाला है और 3,000 में। देखो गाड़ी सब कुछ ठीक है, मैं उसको रिगार्डिंग कुछ नहीं बोल सकता, पर सर्विस नहीं मिलेगा आपको गाड़ी। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर क्या खुद के ऊपर हो जाएगा, चलता है तो बढ़िया, नहीं चलता तो मतलब चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक।